ऑफ यू, आज ही हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। लेसन 20 है और ड्यूल। ड्यूल क्या होता है? मतलब कोई लड़ाई या फिर युद्ध। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी विच अकर्ड एट द क्लोज ऑफ अ वॉर ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिस्मार्क, द फाउंडर ऑफ जर्मन एम्पायर इन द 19th सेंचुरी। इन दिस वॉर फ्रेंच वॉज डिफीटेड एंड ऑक्यूपाइड बाय द जर्मन्स। We have adopted this story from Guy de Maupassant, a famous short story writer. ये जो स्टोरी हम पढ़ेंगे ये किस पे बेस्ड है? एक वॉर पे जो कब हुआ था, जो बिस्मार्क में हुआ था, जब फ्रेंच जो है वो जर्मन से हार गया था। ये स्टोरी किससे ली गई है? जो है हमारे de Maupassant, ये हमारे शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, उनकी बुक से ली गई है। द वॉर वॉज ओवर, द जर्मन ऑक्यूपाइड फ्रांस, द कंट्री वॉज पेंटिंग लाइक अ रेस्लर लाइंग अंडर द नी ऑफ द सक्सेसफुल ओपोनेंट। अब जो जर्मन है वो क्या था? जर्मन जो है वो फ्रेंच फ्रांस से जो है हार गया था। सॉरी, फ्रेंच फ्रांस जो है वो जर्मन से हार गया था। अब जो कंट्री कैस इस तरीके से हार गई थी कि जिस तरीके से एक रेसलर नहीं होता, मतलब अपने अपोनेंट के सामने वो नी पे घुटनों के बल बैठता है, मतलब बुरी तरीके से हारने के बाद, उसी तरीके से जो है जर्मन, वैसे ही फ्रेंच भी जो है जर्मन से हार गया था। द फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम पेरिस आफ्टर द सिटीज अलॉन्ग एगोनी ऑफ फैमिन एंड डिस्पेयर वर मेकिंग देयर वे टू द न्यू फ्रंटियर्स स्लोली पासिंग थ्रू डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस। द पैसेंजर्स गेज थ्रू द विंडो एट द रिवेंज्ड फील्ड एंड बर्न हेमलेट्स। द जर्मन सोल्जर्स इन देयर बैक हेलमेट्स विद ब्रास स्पाइक्स वर सिटिंग ऑन हॉर्स बैक्स और चेयर्स इन फ्रंट ऑफ हॉर्सेस विच वर स्टिल लेफ्ट स्टैंडिंग। एज यू पास थ्रू डिफरेंट टाउन्स यू सॉ एंटायर्स रेजिमेंट्स ड्रिलिंग इन द स्क्वायर एंड इन स्पाइट ऑफ द रंबल ऑफ द कैरिज व्हील्स यू कुड एवरी मोमेंट हियर द हार्ड हार्श वर्ड्स ऑफ कमांड। अब जो फर्स्ट ट्रेन जो थी वो पेरिस, मतलब जो पेरिस जाती थी वो बहुत सारे सिटीज और जो गाँव है उसके थ्रू जो है वो क्रॉस करते हुए वो जाती थी। पैसेंजर्स की बहुत भीड़ लगी हुई थी, मतलब, और जो जर्मन सोल्जर्स थे उन्होंने ब्लैक हेलमेट्स, ब्रास स्पाइक्स, और जो वो मतलब घोड़ों पे बैठे हुए थे और चेयर्स पे बैठे हुए थे घरों के सामने, जो वहाँ के लोग जो है अभी छोड़ के वहाँ से जा रहे थे। और लोग जब अपनी मतलब कस्बों से जब गुजर रहे थे तो वहाँ पे जो है बहुत ड्रिलिंग वगैरह हो रही थी, उसकी जो कमांड्स जो दिए जा रहे थे किसी सीनियर के द्वारा वो जो थे बहुत भयानक थे। ड्यूब्यूस हु ड्यूरिंग द एंटायर सीज हैड सर्व्ड एज वन ऑफ द नेशनल गार्ड इन पेरिस वाज गोइंग टू ज्वाइन हिज वाइफ एंड डॉटर हुम ही हैड प्रीडेंटली सेंट अवे टू स्विट्जरलैंड बिफोर द इन्वेशन। और जो ड्यूब्यूस था वो जो मतलब एक नेशनल गार्ड था कहाँ पे, पेरिस में, और जो उसके फिर वो अपने वाइफ और डॉटर के पास जा रहा था, जो मतलब कि जो वॉर से पहले ही स्विट्जरलैंड जा चुके थे। नेक्स्ट है, ही स्टार्टेड विद माइंडल फियर एंड एंगर एट दोज बियर्डेड आर्म वैन मैन इंस्टॉल्ड ऑल ओवर द फ्रेंच सॉइल एज इफ इन देयर ओन होम्स एंड ही फेल्ट इन हिज सोल अ काइंड ऑफ फीवर ऑफ इम्पोर्टेंट पेट्रोटिज्म इन द सेम कंपार्टमेंट टू इंग्लिशमैन हु हैड कम टू द कंट्री एज साइट शेयर्स वर गेजिंग अराउंड विद लुक्स ऑफ स्टॉलिड क्यूरियोसिटी। दे वर बोथ स्टाउट ऑल्सो एंड केप्ट चैटरिंग इन देयर ऑन लैंग्वेज समटाइम्स रेफरिंग टू देयर गाइड बुक एंड रीडिंग इन लाउड टोन्स द नेम ऑफ द प्लेस इंडिकेटेड। अब जो है उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा गुस्सा और थोड़ा सा डर भी था, क्योंकि जो जर्मन्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रेंच लोगों को उनकी मिट्टी से, उनके घरों से ही उनको भगाना शुरू किया। और जिस कंपार्टमेंट में वो बैठा था उसी कंपार्टमेंट में जो है जो इंग्लिश मैन भी बैठे थे, जो कि अपनी कंट्री से मतलब
और वो आपस में बहुत बातें कर रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे, और वो प्लेस बता रहे थे, मतलब ज़ोर ज़ोर से प्लेस बता रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे प्लेसेस को. सडनली द ट्रेन स्टॉप्ड एट द लिटिल विलेज स्टेशन एंड अ जर्मन ऑफिसर जम्प्ड अप विद अ ग्रेट क्लैटर ऑफ हिज शैबर ऑन द डबल फुटबोर्ड ऑफ द रेलवे कैरिज. ही वॉज टॉल एंड वॉर अ टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म. सडनली क्या हुआ, ट्रेन जो है एक छोटे से गांव के स्टेशन पे रुकी. एक जर्मन ऑफिसर जो था अचानक से मतलब कूद गया. फिर जो एक जर्मन अधिकारी था वो रेलवे जो कैरिज था उसके डबल फुट पर अपनी जो उसके पास कृपान थी अचानक से उसके साथ वो कूद गया. वह जो था बहुत लंबा था, उसने बहुत टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म पहन रखी थी. द इंग्लिश मैन एट वंस बिगेन स्टेयरिंग एट हिम विद स्माइल्स ऑफ न्यूली अवेकेंट इंटरेस्ट. वाइल ड्यूबीज मेड अ शो ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ही सेट क्राउच इन अ कॉर्नर लाइक अ थिफ इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिसमैन. जो इंग्लिश मैन जो पहले से बैठे हुए थे वहाँ पे, उन दोनों ने उसको एक स्माइल पास की. और जो ड्यूबिश था वो जो है एक कॉर्नर में जो है वो दिखा रहा था कि मैं जो हूँ न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ. और वो इस तरीके से एक कॉर्नर में बैठा हुआ था जैसे कि कोई पुलिसमैन के आने के बाद एक थिफ नहीं बैठता चोर, उसी तरीके से. द ट्रेन स्टार्टेड अगेन. द इंग्लिश मैन वेंट ऑन चैटिंग एंड लुकिंग आउट फॉर द एग्जैक्ट सीन ऑफ डिफरेंट बैटल्स एंड ऑल ऑफ अ सडन एज वन ऑफ द डैम स्ट्रेच ऑफ हिज आर्म टुवर्ड द होरिजन टू इंडिकेट अ विलेज द जर्मन ऑफिसर रिमार्क्ड एक्सटेंडिंग हिज लॉन्ग लेग्स एंड लोलिंग बैकवर्ड वी किल्ड अ डजन फ्रेंच मैन इन दैट विलेज एंड टुक मोर देन 100 प्रिजनर्स. फिर चलना शुरू हुई और इंग्लिश मैन जो है दोबारा उन्होंने बातें करना शुरू किया. और वो जो उन्होंने बताया सीन्स बताए कि उन्होंने डिफरेंट अलग अलग लड़ाइयों में क्या क्या किया. अचानक से क्या हुआ, एक जो इंग्लिश मैन था उसने अपने हाथ मतलब एक विलेज की तरफ इंडिकेट करते हुए कहा कि उसने बोला कि वहाँ पे जो है हमने बहुत सारे फ्रेंच मैन को जो है मारा और बहुतों को सौ को प्रिजनर्स मतलब कैदी बनाया. द इंग्लिश मैन क्वाइट इंटरेस्टेड इमिडिएटली आस्क, हाँ एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज. फिर इंग्लिश मैन ने मतलब उसमें इंटरेस्ट जताते हुए बोला कि अच्छा बताओ उस विलेज का नाम क्या था. जर्मन रिप्लाइड, जर्मन ने बोला फर्शबोज, उसका विलेज का नाम क्या था, फर्शबोज. ही एडेड वी कॉट दिस फ्रेंच ब्लैक गार्ड्स बाय द ईयर्स. फिर उन्होंने बोला कि जो फ्रेंच ब्लैक गार्ड्स थे उन्होंने उनको मतलब कान से खींच के उनकी इंसल्ट की. एंड ही ग्लैंस टूवर्ड ड्यूबिश लाफिंग इन टू हिज मुस्टैच इज एन इंसल्टिंग फैशन. फिर उन्होंने ड्यूबिश की तरफ बोल मतलब उंगली करके बोला कि इसकी जो मूछें हैं वो बहुत पुरानी ओल्ड फैशन है. द ट्रेन रोल्ड ऑन पासिंग थ्रू हैमलेट्स ऑक्यूपाइड बाई द विक्टोरियस आर्मी. द जर्मन सोल्डर्स कुड बी सी अलॉन्ग द रोड्स ऑन द एजेस ऑफ फील्ड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गेट्स और चैटिंग आउटसाइड कैफेज. दे कवर्ड द सॉइल लाइक अफ्रीकन लोकस. फिर जो ट्रेन जो है मतलब उस जगह से गुजरी जहाँ पे विक्टोरियन आर्मी ने एक बस्ती को जो है उस पर कब्जा कर रखा था. जर्मन सोल्जर्स थे वहाँ, मतलब जैसे अफ्रीका में रेत फैली होती है उसी तरीके से वो वहाँ फैले हुए थे रोड पे, फील्ड्स पे, और जो मतलब वो घर के सामने गेटों पे खड़े होकर बातें कर रहे थे कैफेज में के बाहर. द ऑफिसर सेड विद अ वेव ऑफ हिज हैंड, इफ आई वर इन कमांड आई डिड टेक पेरिस, बर्न एवरीथिंग एंड किल एवरीबडी, नो मोर फ्रांस. फिर ऑफिसर ने बोला मतलब अपना हाल हिलाते हुए कि अगर मैं कमांडर होता तो मैं पेरिस पे अटैक करने को बोलता, वहाँ सबको जला देता, सबको मार देता, यहाँ तक मतलब फ्रांस को मैं कुछ नहीं करता. द इंग्लिश मैन दो पॉलिटनेस रिप्लाइड सिंपली आ यस. फिर इंग्लिश मैन ने आराम से बोला हाँ हाँ अच्छा ठीक है. ही वेंट ऑन इन 20 years और यूरोप All of it will belong to us. Germany is more than a match for all of them. फिर उनमें से एक ने बोला कि 20 सालों में अगर 20 सालों में ये जो पूरा यूरोप है वो हमारा होगा. नेक्स्ट है द इंग्लिश मैन गेटिंग अनइजी सेड नथिंग इज आंसर टू दिस. देयर फेसेस विच
had become impassive, seemed made of wax behind their long whiskers. Then the German officer began to laugh, and then, lolling back, he began to sneer. He sneered at the downfall of France, insulted the prostrate enemy. He sneered at Austria, which had been recently conquered. He sneered at the ferocious but fruitless defense of the departments. He sneered at everything French. He announced that Bismarck was going to build a city of iron with the captured cannons, and suddenly he pushed his boots against the thighs of Dubuque, who turned his eyes away, reading to the roots of his hair. फिर जो इंग्लिश मैन था उसने सब कुछ, मतलब उसे इतना आसान नहीं लगा, उसने कुछ ही नहीं बोला, इसको कोई आंसर नहीं दिया. उसका फेस जो है बिल्कुल भी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कुछ आंसर देने के लिए नहीं है. और उसकी जो मूछें, मतलब मूछें थी उसके पीछे, लग रहा था कि जैसे वो मोम से बनी हुई हैं. फिर जो जर्मन ऑफिसर था उसने अचानक से हंसना शुरू किया. फिर उसने वापस से, उसने मतलब उपहास, मतलब हंसी उड़ाई. उसने फ्रांस के ऊपर हंसी उड़ाई, उसने प्रोस्ट्रेट एनिमीज़ के ऊपर हंसी उड़ाई, उसने ऑस्ट्रेलिया को, जो अभी अभी रिसेंटली वो, जिसने अभी अभी मतलब ऑस्ट्रिया को जीता था. ही स्नीड एट फ्रूटलेस डिफेंस, मतलब उसने सब चीज़ों का बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाया. उसने फ्रांस, मतलब फ्रेंच फ्रेंच में, मतलब फ्रांस में जो भी चीज़ें थी सबका मजाक उड़ाया. फिर उसने अनाउंस्ड किया कि बिस्मार्क जो है वो आयरन सिटी बनने वाला है, वहाँ पे जो है आयरन का, मतलब लोहे का काम होने वाला है. फिर उसने अचानक क्या क्या अपनी टांगे जो है पुश करते हुए उसने ड्यूब्यूश की थाई पे रख दी, जो उसकी तरफ, मतलब उसकी तरफ आंखें दिखा के उसको देख रहा था. द इंग्लिश मैन सीम टू हैव अज्यूम्ड एन एयर ऑफ कंप्लीट इंडिफरेंस. द ऑफिसर looked fixedly at the Frenchman and said, "You have not got anything to drink, have you?" फिर Englishman, मतलब Englishman ने महसूस किया कि जो अब हवा में, मतलब अब जो आसपास का माहौल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है. फिर ऑफिसर ने Frenchman की तरफ देखते हुए बोला कि क्या तुम्हारे पास कोई कुछ पीने के लिए है? Debuche replied, "No, monsieur." Debuche ने रिप्लाई दिया, नहीं महाशय. The German said, "You might go and busy some for me when the train stops next." उसने बोला, जर्मन ने बोला, क्या तुम, मतलब जब अगली बार जब ट्रेन रुकेगी तो क्या तुम मेरे लिए नीचे उतर के कुछ ला सकते हो? एंड ही बिगेन लाफिंग एफ्रेस. द ट्रेन विसल्ड एंड स्लैग्ड इट पीस पेक. द दे हैड रीच्ड अ स्टेशन विच हैड बीन बर्न डाउन एंड हियर देयर वॉज अ रेगुलर स्टॉप. फिर उस जर्मन, वो जो जर्मन था उसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू किया. अब ट्रेन जो है वो सीटी बजाती हुई अब वो रुक रही थी, मतलब शांत पर हो रही थी. वह एक ऐसे स्टेशन पे रुकी जो बुरी तरीके से, मतलब जल चुका था, और ये उसका रेगुलर स्टॉप था. द जर्मन ओपन द कैरिज डोर एंड कैचिंग ड्यूबिश बाय द आर्म सेड, "गो एंड डू व्हाट आई टोल्ड यू, क्विक क्विक." फिर जर्मन ने क्या किया, एक कैरिज का डोर खोला और मतलब अपने हाथ, उसके ड्यूबिश के हाथों को पकड़ते हुए बोला कि जाओ और मैंने जो बोला वो करो जल्दी जल्दी. ड्यूबिश हरीडली जम्प्ड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड इन स्पाइट ऑफ द वार्निंग्स ऑफ द स्टेशन मास्टर डैश्ड इनटू द एडजॉइनिंग कंपार्टमेंट. वो जो ड्यूबिश था वो जल्दी से प्लेटफॉर्म पर कूद गया. स्टेशन मास्टर की चेतावनी के बावजूद भी वह कंपार्टमेंट से बाहर निकल गया. नेक्स्ट चलते हैं हम. ही वॉज अलोन, ही टोर ओपन हिज वेस्ट कोट, हिज हार्ट बीट वॉज फास्ट इनफ एंड पेंटिंग फॉर ब्रीथ, ही वाइप द परस्पिरेशन ऑफ हिज फोरहेड. जो मतलब अब वो क्या था, वो बहुत अकेला हो चुका था, उसका जो वेस्ट कोट था वो भी फट चुका था, उसकी जो हार्ट बीट थी वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी, उसके जो माथे से जो है पसीना आने लगा था. द ट्रेन ड्रू अप द अनदर स्टेशन एंड सडनली द ऑफिसर अपीयर्ड एट द कैरिज डोर एंड जम्प्ड इन, फॉलोड क्लोज बिहाइंड द टू इंग्लिशमैन हु वर इम्प्लीड बाई क्यूरियोसिटी. द जर्मन सेड फेसिंग द फ्रेंच मैन एंड लाफिंग स्टिल से, "यू डिड नॉट वॉन्ट टू डू वॉट आई आस्क्ड यू." जो ट्रेन था वो अनदर, मतलब दूसरे स्टेशन पे पहुंचा, और सडनली जो क्या है, ऑफिसर, मतलब
कैरिज की डोर के अंदर जंप लगाई उसने। फिर उसने दोनों जो इंग्लिश मैन थे उनके बिल्कुल पीछे जो है वो खड़ा था। उसने फिर उससे बोला कि मैंने तुम्हें जो बोला था तुमने वो काम नहीं किया। डुबिश रिप्लाइड, नो मंसूर, नहीं महाशय, द ट्रेन हैज़ जस्ट लेफ्ट द स्टेशन व्हेन द ऑफिसर सेड आई विल कट ऑफ योर मुस्टैश एंड ही पुट ऑन हिज हैट टुवर्ड्स द फ्रेंच मैंस फेस। फिर जो मतलब जो ट्रेन थी अब वो स्टेशन से निकल गई थी। फिर ऑफिसर ने बोला मैं तुम्हारी मूछें काट दूंगा। द इंग्लिश मैन कैप स्टेयरिंग इन द सेम इम्पैसिव फैशन विद फिक्ड ग्लैंस्ड। ऑलरेडी द जर्मन हैड कॉट होल्ड ऑफ द मुस्टैच एंड वॉज टगिंग एट इन व्हेन डुबेश विद अ बैक स्ट्रोक ऑफ हिज हैंड थ्रू बैक द ऑफिसर्स आर्म एंड स्नीजिंग हिम बाय द कॉलर फ्लंग हिम डाउन ऑन द सीट। देन एक्साइटेड टू अ पिच ऑफ फरी विद हिज टेम्पल्स स्वॉलन एंड हिज आईज ग्लेरिंग ही कैप्ट थ्रोटलिंग द ऑफिसर विद वन हैंड वाइल विद द अदर क्लेंस्ड ही बिगिन टू स्ट्राइक हिम वॉयलेंट ब्लोज इन द फेस। द जर्मन स्ट्रगल्ड ट्राइड टू ड्रॉ हिज शेबर एंड टू गेट अ ग्रिप वाइल lying back on his adversary but Dubush crushed him with the enormous weight of his stomach and kept hitting him without taking breath of knowing where his blows fell. Englishman ने क्या किया? Englishman ने मतलब Englishman ने Dubush को एकदम अचंभित तरीके से देखा एकदम। और फिर जर्मन्स ने क्या किया? उनकी मूछों को पकड़ लिया Dubush की। और फिर डुबिश ने मतलब जवाबी चोट देते हुए उस ऑफिसर की गर्दन पकड़ के उसको सीट पे लिटा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो डुबिश था उसके अंदर एकदम से एकदम गुस्सा आ गया। उसकी आंखें जो एकदम चमक उठी। वह एक हाथ से अधिकारी को घसीटता रहा जबकि दूसरे बंदों के साथ उसने चेहरे पर हिंसक वार करना शुरू कर दिया। फिर जर्मन ने क्या किया? उसका जो ये हथियार था उसको उसने पकड़ने की कोशिश की और अपने चेहरे पर से मतलब दुबोश जो मार रहा था उससे उसने छुट्टी पाने की बहुत कोशिश की। लेकिन जो दुबोश था उसने उसको अपने पेट के वजन से गिरा रखा था, मतलब उसको दबोच रखा था और उस पर घूसों से वार कर रहा था। ब्लड फ्लो डाउन ऑन द फेस ऑफ द जर्मन हु चोकिंग विद द rattling in his throat spat forth his broken teeth and vainly tried to shake off this infuriated man who was killing him. फिर जर्मन जो है जर्मन से के खून चेहरे से जो है खून बहने लगा था और उसने अपने गले से हाथ हटाने की कोशिश की जो डुबोश जो है उसे मार रहा था। लेकिन उसकी जो यह जो कोशिश है बेकार गई क्योंकि डुबोश का जो वेट था वो बहुत ज़्यादा हैवी था और उसने अपने टूटे हुए दांतों को उखाड़ दिया। नेक्स्ट है द इंग्लिश मैन गॉट ऑन देयर फिट एंड केम क्लोजर टू सी बेटर दे रिमेन्ड स्टैंडिंग आउट फुल ऑफ मिर्थ एंड क्यूरियोसिटी। फिर जो अंग्रेज था इंग्लिश मैन था वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बेहतर दिखने के लिए उसने अपने को खुद को संभाला और बहुत मतलब अच्छे से वो खड़े होने की उसने कोशिश की। एंड सडनली डुबोश एग्जॉस्टेड बाय हिज वॉयलेंट एफर्ट्स वेंट एंड रिज्यूम्ड हिज सीट विदाउट अटरिंग अ वर्ड। द जर्मन डिड नॉट अटैक हिम फॉर द सैवेज असॉल्ट had scared and terrified him. When he was able to breathe freely, he said, "Of course, I had no right to disrespect you. I beg you, you're sorry." दुबोश जो है इतना थक चुका था कि उसने बिना एक शब्द कहे हुए वह जो है अपनी सीट पे बैठ गया। अटरिंग मतलब एक हिंसक मतलब कोई भी बिना गलत वर्ड बोले वो अपनी सीट पे बैठ गया। और फिर जर्मन ने भी उस पर कोई अटैक नहीं किया। उसे मतलब उससे जो है इतना भय हो चुका था डुबोश से कि उसने अच्छे से पहले आज़ादी से उसने सांस ली। फिर उसने बोला कि मुझे कोई राइट नहीं है तुम्हारी इंसल्ट करने का, मैं तुमसे इसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। ये हमारा बुक एक्सरसाइज यही कंप्लीट होता है। अब हम इससे रिलेटेड बुक एक्सरसाइज करेंगे। अब हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मतलब ये किसने बोला एंड वॉट इज़ द नेम ऑफ द विलेज तो ये इंग्लिश मैन ने बोला था। वी कॉट दिस फ्रेंच ब्लैक कार्ड्स बाय द ईयर्स जर्मन ने
इन 20 ईयर्स ऑल यूरोप ऑल ऑफ इट विल बिलोंग्स टू अस. इंग्लिश मैन, नो हैवन गोट एनी थिंग टू ड्रिंक हैव यू ऑफिसर, नो मैन श्योर. मतलब फ्रेंच मैन ने, ऑफकोर्स आई हैड नो राइट टू डिसरिस्पेक्ट यू, जर्मन ने बोला था. मैनी वर्ड्स इन द स्टोरी गिव आउट द क्वालिटीज ऑफ डुबुश, टिक दोज विद डिस्क्राइब हिज कैरेक्टर एंड इमोशंस. अब डुबुश, मतलब डुबुश के बारे में क्या क्या बोला गया था इसमें आपको लिखना, मतलब टिक लगाना है जो आपको सही लगता है. तो ये आप खुद करोगे, इस चैप्टर को पढ़ोगे फिर करोगे. नेक्स्ट, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. आपको क्या करना है, इन सब की मीनिंग लिखनी है इस स्टोरी से. एगोनी, एंग्यूश, मर्थ, जॉय, इम्पोर्टेंट, पावरलेस, एडवर्सरी, ओपोनेंट, वेनली, यूजलेसली, मिंगल, मिक्स्ड, हैमलेट, स्मॉल विलेज, सब्र, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड. ये हमारा बुक एक्सरसाइज यही कंप्लीट होता है. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू.